ठीक है गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। यार अगर आपका बजट लगभग 1000 रुपीस के आसपास और आप उसमें एक अच्छा गेमिंग कंट्रोलर ढूंढ रहे हैं तो यार आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपको देने वाले हैं इवो फॉक्स की तरफ से आने वाले इनके एलीट एक्स वायर्ड गेम पैड का। इस गेम पैड को लगभग मैं 7 दिनों से यूज कर रहा हूँ, काफी सारी चीजें मुझे इस गेम पैड में अच्छी लगी, वही चीजें आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यार कि आपको इसको खरीदना चाहिए या फिर नहीं, अगर आपका बजट लगभग 1000 के आसपास है या फिर कोई अदर ऑप्शन देखना चाहिए जो कि मार्केट में, सब इस वीडियो में बताऊंगा। चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार ये रहा बॉक्स, देख सकते हो सामने की तरफ इवो फॉक्स की ब्रांडिंग है, नीचे की तरफ यहां पर एलीट एक्स पीसी वायर्ड गेम पैड लिखा हुआ है, कुछ यहां पर जो है आपको डिटेल दी गई है और लेफ्ट और राइट साइड में कुछ खास यहां पर इंफॉर्मेशन लिखी गई है जो कि आगे वीडियो में आप सभी को क्लियर डिटेल में बताऊंगा। और पीछे की बात करें तो यहां पर सारा कंट्रोल्स के बारे में बताया हुआ है किस तरीके से यहां पर जो है वो काम करता है। तो फटाफट से क्या करते हैं कि बॉक्स को यार खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि हमें बॉक्स में क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो यहां से मैं फटाफट से बॉक्स को ओपन कर लेता हूं। तो सबसे पहले जैसे ही आप अनबॉक्स करोगे यहां पर आपको इवो फॉक्स के कुछ स्टिकर देखने को मिलेंगे जो कि आप कहीं भी लगा सकते हो आराम से, और इसे साइड में रख देते हैं। इसके अलावा एक इवो फॉक्स की यहाँ पर आपको क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिलेगी और इसमें काफी सारी डिटेल है, मैंने इसे खुद पढ़ा है तो इसे फेंकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर काफी सारी डिटेल ली हुई है कि कैसे आप मैक्रोज वगैरह यूज कर पाओगे, इनपुट वगैरह चेंज कर पाओगे, इसके अलावा जो इसके टर्बो मोड है उसको कैसे एक्टिवेट कर पाओगे, तो इसको फेंकना मत, बाकी सारी आप देख सकते हो। फिर हमारा कंट्रोलर है बॉक्स के अंदर, इसको हम फटाफट से जो है वो साइड में रख लेते हैं। इसके अलावा देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या है। यहाँ पर आपकी जो आखिरी चीज है वो है आपकी यहाँ पर टाइप सी टू टाइप सी केबल। मैं फटाफट से यहाँ पर जो है सब चीजें सेट कर देता हूँ। तो गाइस ये रहा हमारा इवो फॉक्स एलीट एक्स वायर्ड गेम पैड। यार सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड और डिजाइन से। तो बिल्ड यहाँ पर इस गेम पैड की काफी अच्छी है, काफी ज्यादा सॉलिड फील यहाँ पर देता है। जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी यहाँ पर यूज की गई है, ऐसा नहीं लगता कि कहीं से भी ये चीप है। थोड़ा सा यहां पर आपको जो वो मैट फिनिश सा मैं डिजाइन कहूंगा और थोड़ा यहां पर ऊपर की तरफ आपको जो डिजाइन है वो थोड़ा सा ग्लॉसी टाइप का मिल जाता है जो कि यहाँ पर एक तरीके से कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्रिएट करता है। वही बात करते हैं डिजाइन की, तो ट्रांसकुलेंट डिजाइन देखने को मिलता है, आगे के जो अंदर के मोटर्स हैं वो दिखते हैं, जो यहाँ पर प्लेट वगैरह है अंदर की मदरबोर्ड है वो सब यहाँ पर क्लियर दिखती है, जो कि गेम के दौरान जब ये काम करते हैं तो काफी ज्यादा अपीलिंग लुक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वेट काफी लाइट वेट है यहाँ पर, लगभग जो है वो 220 ग्राम के आसपास वेट है, और जो डिजाइन फॉलो करता है वो एक्स बॉक्स लेआउट पर जो है वो आपको देखने को मिलता है और काफी बढ़िया है। यहाँ पर मुझे जो है वो प्ले स्टेशन लेआउट और एक्सबॉक्स लेआउट दोनों में से कोई भी अच्छा लग जाता है, मैं दोनों में से कोई भी लेता हूँ, लेकिन हर लोगों की ये प्रेफरेंस अलग होती है, किसी की प्ले स्टेशन वाली यहाँ पर अच्छा लगता है, किसी को एक्सबॉक्स की तरह अच्छा लगता है। वही बात करते हैं बटन्स और यहाँ पर ओवरव्यू की। तो बटन यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पर 2 ट्रिगर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ये काफी स्मूथ यहाँ पर ट्रिगर्स हैं, अगर आप दबाते हो ना काफी बढ़िया लगता है यहाँ पर देखने को। ये प्रेशर सेंसिटिव है, मतलब यहाँ पर एनालॉग के साथ आते हैं तो जितना दबाओगे उतना ही यहाँ पर वर्क करेगा, ये आपको पीसी में भी यहाँ पर दिखा दूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है। इसके अलावा ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर एक लॉक देखने को मिलता है, तो अगर आप टाइप सी केबल लगाते हो तो यहाँ पर जो लॉक है वो इसे जो है वो काफी तेज से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो केबल है वो एक्सीडेंटली कहीं भी नहीं निकलती, जो कि अगेन काफी बढ़िया है। और ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके आरबी और एलबी बटन देखने को मिलते हैं, इसकी भी यहाँ पर क्वालिटी मैं कहूँगा काफी अच्छी है, काफी टैक्टाइल यहाँ पर फीडबैक देता है। सामने आपको काफी सारे बटन देखने को मिल जाते हैं, सबसे पहले 2 जॉयस्टिक देखने को मिलते हैं, इस पर रबर ग्रिप्स देखने को मिलती है, तो काफी स्मूथनेस यहाँ पर जो है मैं कहूंगा अच्छी है, क्वालिटी यहाँ पर बढ़िया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको डी पैड देखने को मिल जाता है, साथ जॉयस्टिक में आपको L3 और R3 के बटन तो देखने को मिल ही जाते हैं, और जॉयस्टिक यहाँ पर अच्छा है, लेकिन हाँ अगर जॉयस्टिक में अलग अलग बटन होते ना तो टेकन वाले जो गेम्स होते हैं ना उसमें ज्यादा अच्छा यहाँ पर खेलने वाला, लेकिन आजकल सभी जो गेम पैड है वो इसी तरीके से डी पैड को फॉलो करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 4 LED इंडिकेटर मिल जाते हैं, इसी में सारी चीजें यहाँ पर बताई जाएगी, एक एक्स्ट्रा इजी बटन देखने को मिल जाता है, इसके अलावा सिलेक्ट है, टर्बो, क्लियर, स्टार्ट, ये बटन देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर जो आपका जो मेन बटन है इवो फॉक्स वाला वो भी मिल जाता है, और यहाँ पर XY AB जो मेन बटन होते हैं खेलने के लिए वो यहाँ पर मिल जाते हैं, और सभी की क्वालिटी मैं कहूँगा काफी टैक्टाइल है, काफी अच्छी तरीके से जो साउंड है वो निकलती है। और पीछे की बात करें तो पीछे भी काफी सारे बटन मिल जाते हैं, यहाँ पर 2 आपको जो है वो MR और ML मैक्रो लेफ्ट मैक्रो राइट देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन काफी अच्छा है, यहाँ भी टैक्टाइल फिनिश है, और यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बटन देखने को मिलते हैं, इससे आप वाइब्रेशन कंट्रोल कर सकते हो, जो कि अगेन मुझे इस गेमपैड में काफी बढ़िया लगा। किसी लोगों को जो क्या होता है जो यहाँ पर वाइब्रेशन है वो अच्छी नहीं लगती है, जैसे कि मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं इसे क्या करता हूँ थोड़ा धीमा कर लेता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ डिटेल मिल सकते हैं, प्लग एंड प्ले है तो कोई भी सॉफ्टवेयर का झमेला नहीं होने वाला, आराम से यूज कर पाओगे। और केबल यहाँ पर टाइप सी वाली देखने को मिलती है, टाइप A टू टाइप C केबल है, और केबल ये रही, इसकी लेंथ देख लेते हैं, मेरे ख्याल से 2 मीटर है, तो आराम से अगर आप वायर्ड भी लेते हो ना तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। इसका वायरलेस वाला वर्जन लगभग 1600 के आसपास मिल जाता है, सेल में 1500 में मिल जाता है,
तो अगर आप चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, वरना इसकी केबल की लेंथ भी यार इनफ है, आप लगभग 1.5 मीटर तक खड़े होकर आराम से खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर लैपटॉप है तो फिर यार ये बहुत ज़्यादा केबल लेंथ है, तो केबल लेंथ से भी मुझे कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं लगी। वही बात करते हैं वाइब्रेशन की, तो मैंने बता दिया आपको दो यहाँ पर मोटर्स देखने को मिलते हैं और वाइब्रेशन मैं कहूँगा प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती। इसके अलावा इनपुट की बात करें तो दो इनपुट के साथ आता है, एक्स इनपुट डायरेक्ट इनपुट, और मैंने जहाँ तक इसे चेक किया है ये पीसी PS3 इसके अलावा एंड्रॉयड टीवी और स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मैंने मेरे पास PS3 तो है नहीं, 3 के साथ कनेक्ट किया है, पीसी के साथ कनेक्ट किया है, एंड्रॉयड टीवी के साथ और एंड्रॉयड के साथ, वहाँ कहीं भी मुझे डायरेक्ट इनपुट की जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि तीनों डिवाइस मेरे जो है वो एक्स इनपुट पर ही चल गए। तो यहाँ पर अगर लेटेस्ट फोन है एक्स इनपुट पर आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पुराना बहुत फोन है जो एक्स इनपुट को सपोर्ट नहीं करता तो फिर इसमें डायरेक्ट इनपुट स्विच करना होगा, वो आगे वीडियो में मैं जो है आपको करके दिखा दूंगा। वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको एक्स इनपुट डायरेक्ट इनपुट, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले आराम से करो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। इसके अलावा 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है, तो आप इनकी वो फोक्स की वेबसाइट पर जाकर जो वारंटी वगैरह है वो रजिस्टर करके आप क्लेम कर सकते हो। तो फाइनली सारी चीजें ओवरऑल चीजें तो मैंने बता दी, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या चीजों के साथ आता है, LED इंडिकेटर यहाँ ऊपर भी मिल जाता है, ये सब बता दिया है। अब फाइनली जिस चीज के लिए हम गेम पैड खरीदते हैं गेम प्ले, वो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ, बारी बारी से दिखाऊंगा। पहले पीसी का दिखाऊंगा, फिर एंड्रॉइड स्मार्टफोन का दिखाऊंगा, फिर एंड्रॉइड टीवी का दिखाऊंगा, तीनों का साथ में दिखाऊंगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं है, आप तीनों में यूज कर पाओगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो सबसे पहले पीसी पे लगा के देख लेते हैं। गाइस फाइनली हम यार पीसी की स्क्रीन पर आ चुके हैं और फटाफट से यार जो यूएसबी केबल है वो अपने लैपटॉप में लगा देते हैं। तो जैसे ही हमने लैपटॉप में लगाया, हमारा जो कंट्रोलर है वो ऑन हो चुका है, जो लाइट है वो भी यहाँ पर जल चुकी है, जो हमारी 3 लाइट है इसका मतलब यहाँ पर एक्स इनपुट है, और यहाँ पर अगर आप बीच वाला ईवो फॉक्स का बटन होल्ड करके दबा के रखते हो तो ये डायरेक्ट इनपुट पर भी चला जाएगा। डायरेक्ट इनपुट की लाइट सिर्फ एक रहती है, यहाँ पर नीचे वाली ऊपर वाली तीनों बंद हो जाएंगी। तो फटाफट से मैंने आपको बताया था कि ट्रिगर मैं यहाँ पर आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, तो मैं फटाफट से जो है वो खोल लेता हूँ यहाँ पर वेबसाइट, और यहाँ पर वेबसाइट खोल ली और फटाफट से हम जो है वो हमारा जो कंट्रोलर डिटेक्ट कर लिया, और फिर मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे ट्रिगर है वो प्रेशर सेंसिटिव है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं हल्का हल्का दबा रहा हूँ, यहाँ पर मैं अभी स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे दबा रहा हूँ, देख सकते हैं आप हल्का हल्का दबा रहा हूँ, सारे यहाँ पर जो धीरे धीरे चल रहा है। दूसरा वाला भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको प्रेशर सेंसिटिव दिए गए, और इसी वेबसाइट से आप अपने गेम पैड के सारे बटन्स भी चेक कर सकते हो कि वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये तो यहाँ पर था, अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपके कस्टमाइजेशन बटन है उसको किस तरीके से कर सकते हो, तो उसके लिए हम फटाफट से कोई गेम खोल लेते हैं। तो फाइनली हमने गेम लोड कर लिया है यहाँ पर, ये है राइज ऑफ द टूम्ब रेडर, और फटाफट से यार गेम प्ले भी आपको दिखा देता हूँ यहीं पर, और सारे कंट्रोल भी देख सकते हो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हो जो हमारी जॉयस्टिक है वो भी रिस्पॉन्स आप देख सकते हो किस तरीके का रिस्पॉन्स है, यहाँ पर काफ़ी कम डिले यहाँ पर देखने को मिलता है, और जो हमारी यहाँ पर जो देख सकते हैं यहाँ पर एम है वो भी काफ़ी है, और यहाँ पर मैं हल्का सा जो है प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर यहाँ पर बता दो, यहाँ पर प्रेशर सेंसिटिव का यहाँ पर ज़्यादा काम है नहीं, वो ज़्यादातर अगर आप गाड़ी वगैरह चला रहे होते ना तो उसमें आपको जो है एक्सलेट करने के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहता है। और देख लेते हैं कि यहाँ पर कैसी क्वालिटी है। तो यहाँ पर साथ साथ आपको मैक्रो बटन्स के बारे में मैं बता रहा था, गेम प्ले मैंने आपको लगभग दिखाई दिया है और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है वो वर्क कर रहा है, सारे बटन अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर वाइब्रेशन भी आप देख सकते हो, हल्की हल्की वाइब्रेशन यहाँ पर हो रही है, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो वाइब्रेशन यहाँ पर दिखा नहीं सकता हूँ वीडियो में, काफ़ी हद तक आपको दिखेगा भी नहीं। और जो मैक्रो बटन है वो आपको यहाँ फटाफट दिखा देता हूँ, तो मैक्रो बटन यहाँ पर मैंने सेट कर रखे हैं पहले से, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैक्रो बटन आपको दिखा देता हूँ मैं, तो मैक्रो बटन के लिए मैंने क्या सेट किया है तेज वाला, तो मैं जैसे दबा रहा हूँ तो तेज़ हो रहा है, देख सकते हैं पीछे मैं अभी धीमे चल रहा हूँ, और जैसे मैं दबाऊंगा तो यहाँ पर जो यहाँ पर फास्ट रन है वो जो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पहले तो मैक्रो बटन मैंने सेट कर रखा है। अब सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं सारे मैक्रो क्लियर कर देता हूँ। ईजी बटन आपको क्या करना है, होल्ड करके रख के दबा देना है, होल्ड जैसे आप कर लोगे, और यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है, तो यहाँ पर जैसे एक लाइट आई इसका मतलब आपके ईजी बटन सारे जो मैक्रो वाले थे वो सब यहाँ पर इरेज हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर करूँगा तो कोई भी बटन यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो ईजी बटन को सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ईजी बटन दबाना है और जो भी पीछे बटन सेट करना है, जैसे मैं यहाँ पर फटाफट कर लेता हूँ, ईजी बटन दबा दिया और पीछे का बटन आपको दबा रखना है, तो देख सकते हो लाइट जलने लगी। अब आपको क्या करना है, पीछे वाला जो बटन है उसको दबाना है और जो सेट करना है, मैं यहाँ पर L3 है वो सेट करूँगा, तो यहाँ पर बटन सेट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर तेज चल रहा है। तो इस तरीके से आपको इजी बटन चेंज कर सकते हो। अब बात करता हूँ यहाँ पर टर्बो किस तरीके से सेट करना है, तो मान लीजिए वाई से मैं यहाँ पर जो है वो कॉम्बो चला रहा हूँ, तो टर्बो और वाई यहाँ पर आपको दबाना है, रुक जाइए, तो यहाँ पर थोड़ा दबा के रखना है। अब ये जो है वो टर्बो सेट हो चुका है, अब मैं दबाऊंगा तो ये बराबर काम करता ही रहेगा। अब इसको हटाने के लिए क्या करना है, टर्बो क्लियर और वही बटन आपको फिर से दबाना है, टर्बो क्लियर, अब नहीं होगा,
बस एक ही बार होगा फिर नहीं होगा। इस तरीके से टर्बो बटन चेंज कर सकते हो, और मैंने आपको बता दिया आप डायरेक्ट इनपुट एक्सिट पुट, तो आप ईवोफॉक्स का बटन दबाओगे चेंज हो जाएगा। तो फटाफट ये सारे बटन दिखा दिए, अब गेम प्ले भी थोड़ा दिखा देता हूँ साथ में। और मैं कहूँगा गेम प्ले यहाँ पर काफ़ी स्मूथ रहा है, मैंने लगभग एक हफ्ते इसे टेस्ट किया है और काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिली। तो यार पीसी में मैंने आपको लगा के दिखा दिया, इसके जो ट्रिगर्स हैं उनके बारे में भी आपको बता दिया, और गेमिंग मैं कहूँगा काफ़ी बढ़िया से हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, मैक्रो बटन्स भी अच्छे से वर्क कर रहे थे, टैक्टाइल फिनिश यहाँ पर दे रहा था, और बटन्स की क्वालिटी में मैं कहूँगा ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो आपकी जॉयस्टिक इसमें भी काफ़ी कम है, लगभग 5-6% के आसपास ही एरर है, तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात यहाँ पर मुझे नहीं लगी। तो फाइनली पीसी में काफ़ी बढ़िया गेमिंग हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर एंड्रॉइड स्मार्टफोन की, तो उस पर भी मैंने फटाफट से टेस्ट करके दिखा देता हूं आपको। तो गाइस फाइनली हमने कंट्रोलर को यार अपने एंड्रॉइड फोन के साथ कनेक्ट कर दिया है, और यहां पर देख सकते हो ओटीजी के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। और यहां पर जो लोग कह रहे थे कि ये सिर्फ पीसी के लिए नहीं है, पीसी के लिए भी है, पीएस3 के लिए भी है, एंड्रॉइड के लिए भी, एंड्रॉइड टीवी के लिए भी है। और तो फटाफट से यहां पर देख सकते हैं कि कैसा गेम प्ले यहां पर रहता है, और यहां पर जो हम आरटी दबाएंगे तो आराम से जो स्मूथ हो रहा है, और जॉयस्टिक भी मैं कहूंगा काफी हद तक रिस्पॉन्सिव लग रही है। और गेम प्ले देख रहे हैं आप, एंजॉय करिए गेम प्ले। तो यार देख सकते हो मैंने इस गेम पैड को यार अपने स्मार्टफोन पर भी टेस्ट करके दिखाया, और काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा है, कोई भी इनपुट वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत बढ़िया गेम पैड है यहाँ पर। अब हम फाइनली बात करते हैं अपने एंड्रॉयड टीवी की, क्या उसमें भी कनेक्ट हो पाएगा। तो यार देख सकते हो हमने अपने गेम पैड जो कि ईवोफॉक्स एलाइट एक्स गेम पैड है उसको अपने एंड्रॉयड टीवी के साथ कनेक्ट कर दिया है। फटाफट से यार गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। तो यार कनेक्ट जैसे करोगे कुछ खास नहीं करना है, बस खाली अपने एंड्रॉयड टीवी में यूएसबी पोर्ट में अपने जो यहां पर गेम पैड उसको कनेक्ट करना है, और एक्स इनपुट में ही एंड्रॉइड टीवी भी चला देगा, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत यहां पर लेने की बात नहीं। तो सिंपली बैक बटन दबाया और अपनी यहां पर जो रेस है वो स्टार्ट करी। तो देख सकते हो यहां पर जो कंट्रोल ऑप्शंस है वो काफी बढ़िया यहां पर हो रहे हैं, और जो हमारे जॉयस्टिक का रिस्पॉन्स है वो भी यहां पर काफी बढ़िया है, जो हमारे जो ट्रिगर्स हैं वो भी प्रेशर सेंसिटिव है, तो जितना दबाओगे उतना ही यहां पर जो है आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल देख सकते हो इस तरीके से आप जो एंड्रॉइड टीवी में इस ईवोफॉक्स एलीट एक्स वायर्ड गेम पैड को यूज कर सकते हो। उसका वायर्ड वाला और वायरलेस वाला दो वर्जन आते हैं, तो दोनों आप जो है ले सकते हो। केबल देख सकते हो काफी बड़ी है, तो यार आराम से आप थोड़ा दूर भी खड़े होकर खेल सकते हो, उसमें भी आपको कोई दिक्कत यहां पर नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस यहां पर गेमिंग का जो है एंड्रॉइड टीवी पर भी काफी अच्छा हो गया इस ईवोफॉक्स गेम पैड से। तो यार फाइनली मैंने आपको दिखा दिया अपने एंड्रॉइड टीवी में भी कनेक्ट करके, और वहां पर भी जो है यार गेमिंग काफी स्मूथ हो रही थी, सारे कंट्रोल्स अच्छे से वर्क कर रहे थे, और टैक्टाइल फिनिश यहां पर मिल जाती है, तो गेम प्ले में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। हां एक चीज है कि जो आपकी वाइब्रेशन है वो एंड्रॉइड फोन पर यार काम नहीं कर रही थी, एंड्रॉइड टीवी पर भी काम कर रही थी, और इसके अलावा जो आपका पीसी है तो उस पर तो काम कर ही रही थी। इसके अलावा जो फाइनल जो इनपुट था कि PS3, तो वो मेरे पास है नहीं, तो वो टेस्ट करके नहीं बता सकता हूं, लेकिन PS3 का भी सपोर्ट आपको ऑफिशियली मिल जाता है, डायरेक्ट यूज कर लो PS3 में, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी। तो फाइनली यार अगर हम वर्डिक्ट पर पहुंचे या कंक्लूजन पर पहुंचे, तो यार ये एलीट एक्स वायर्ड पीसी गेमिंग काफी बढ़िया यहां पर एक गेमिंग कंट्रोलर है। आपके पीसी हो गया, आपके यहाँ पर एंड्रॉइड टीवी हो गया, आपका यहाँ पर स्मार्टफोन हो गया, या फिर PS3 हो गया, सभी के लिए यूज हो जाएगा, और कोई झमेला नहीं करना है, सिर्फ लगाओ इसे अपने जो भी अपना पीसी वगैरह है उसमें लगाओ, आराम से यूज कर सकते हो। इसकी प्राइस भी काफी कम है, किसी किसी टाइम ये 999 में आपको देखने को मिल जाता है, मैंने भी इसे लगभग 1000 रुपये में खरीदा है। उस हिसाब से मैं कहूँगा काफी बढ़िया गेम पैड है यहाँ पर। जो इसकी सबसे पहले स्पेशल चीज़ है वो है इसकी मैक्रो कीज, आपको कोई भी मैक्रो कीज नहीं देगा, और यहाँ पर जो गेम पैड होते हैं ना उसमें एक सेटेड बटन होते हैं, इसके अलावा बटन को कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। तो इससे आप क्या कर सकते हो, जो बटन आपको दिक्कत देते हैं, जैसे कि मुझे यहां पर L3 और R3 दबाने में काफी दिक्कत होती थी, तो इसीलिए मैंने उनको यहां पर शिफ्ट कर दिया। तो अगेन यहां पर ये चीज मुझे ईवोफॉक्स की तरफ से, सॉरी ईवोफॉक्स एलीट एक्स वायर्ड पीसी गेम पैड में काफी बढ़िया लगी। तो अगर आप चाहो तो इसे परचेस कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरी तरफ से यार फुल्ली रिकमेंडेड है। और भी इस प्राइस रेंज में काफ़ी सारे गेम पैड हैं, बट उनसे मैं कहूँगा इसकी सारी चीज़ें यहाँ पर बेटर है, डिज़ाइन अच्छा है, टैक्टाइल फिनिश अच्छा है, मैंने इसे पर्सनली टेस्ट किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये फुल्ली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से यार। तो यार वीडियो अच्छी लगी जरूर से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।